नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल के एक ऐप के बारे में। गूगल का एक छोटा सा ऐप जिसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मल्टीटास्किंग है, यानी एक ही ऐप के अंदर गूगल आपको बहुत सारी फीचर्स दे रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको भाषा की प्रॉब्लम है। अगर वो हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, अगर वो इंग्लिश जानते हैं मराठी नहीं पढ़ पाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी जानते हैं इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या फिर गुजराती नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर इस ऐप का आप यूज़ करोगे तो आप सारी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, जान सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे हम बाकी ऐप डाउनलोड करते हैं उसी तरह हमें गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पे हमें टाइप करना होगा गूगल गो। जैसे गूगल गो यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल गो तो ये ऐप आ जाएगा। इसको हमें इंस्टॉल करना होगा। जो गूगल गो को बनाया गया था इसका मेन मकसद ये था कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से सर्च करना था, और ये गूगल गो बहुत तेज़ी से चीज़ों को सर्च करता है। जैसे कि हमारा ऐप डाउनलोड हो गया तो इसको हम ओपन कर लेते हैं तो गूगल का एक लोगो आएगा और ये हमें लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो मैं इसको अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा समय लेगा। ये आ चुका है, ये सारी भाषाएं दिखा रहा है। तो हम एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे सारी भाषाएं दिखा रहा है जो जो भाषा ये सपोर्ट करता है। हिंदी है, बांग्ला है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, पंजाबी है, इंग्लिश है। इसमें से किसी भी भाषा को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे हिंदी यूज़ करना है तो मैं हिंदी पर टैप करूँगा। ये सारी फीचर्स हमें हिंदी में यहाँ पे दिख जाएंगे। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे हिंदी में दिख रहे हैं। अगर मुझे इसको इंग्लिश में करना होगा तो दोबारा सेटिंग में जाऊँगा और भाषाएँ हैं, भाषाएँ चुने पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इंग्लिश कर दूँगा और बैक आ जाऊँगा। तो ये है, तो इसमें सारे ऑप्शन है। सर्च का है, वॉइस सर्च है, कैमरा ट्रांसलेट है, डिस्कवर है, इमेज है, GIF फाइल है, यूट्यूब है, डाउनलोड्स है। यूट्यूब में आपको यूट्यूब्स दिखाएगा और डाउनलोड्स में जो आपने डाउनलोड किया है वह है वो दिखाता है ये हमें। तो चलिए यूज़ करते हैं ये ऐप कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं ये ऐप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम सर्च में जाते हैं और देखते हैं कि सर्च में काम कैसे करता है। सर्च में हमने टैप किया और यहाँ हमें कुछ सर्च करना है। तो जैसे कुछ सजेशन हमको दे रहा है ये, जैसे मैंने पहले इसको सर्च किया हुआ था तो मैं इसमें से सर्च करता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हिंदी। तो इससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स थी वो ओपन हो जाती है। ये ओपन हो गई है तो जिस वेबसाइट को हमें देखना है या जिस वेबसाइट को या जिस आर्टिकल को हमें पढ़ना है उस पर हम इसको टैप करेंगे। ये जो भारत के प्रधानमंत्री विकिपीडिया है, भारत का प्रधानमंत्री विकिपीडिया, इस पर हम टैप करते हैं। टैप हो गया और ये विकिपीडिया का पेज खुल गया है। तो जैसे अभी हमें इसको पढ़ना है, ठीक है, तो इसका जो एक खास फीचर्स है मैं वो आपको बताता हूँ। इसका जो एक खास फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नीचे एक प्ले का बटन आ रहा है, हम इस पर टैप करते हैं और आप इसका एक मैजिक देखिए। भारत का प्रधानमंत्री विकिपीडिया, इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति। यानी इस फीचर्स में आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वेबसाइट को गूगल गो के द्वारा सुन सकते हैं। गूगल गो आपको सारी जानकारी पढ़कर सुनाएगा। बहुत ही कमाल का फीचर्स है। इसका जो अगला फीचर्स है वो भी बहुत कमाल का है। तो नीचे होम का बटन आ रहा है तो होम पे बटन पे क्लिक करके हम बैक आते हैं। यह वॉइस सर्च है। इस वॉइस सर्च में हम जो बोलेंगे वो हमको ये बताएगा। तो जैसे कि अब मैं वॉइस सर्च पे टैप करता हूँ। ये ऑडियो के लिए परमिशन मांग रहा है तो वाइल यूजिंग द ऐप पे आप परमिशन दे सकते हो। आप जब आप यूज़ करोगे तब के लिए है ये। तो परमिशन मांग रहा है तो आप इसको परमिशन दे दो ऑडियो के लिए। सचिन तेंदुलकर, Here's what I found. मैंने सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा तो सचिन तेंदुलकर के बारे में इसने हमें सारी ये जानकारियाँ दे दी है। इसका विकिपीडिया पेज दे दिया है इसने। यानी हम वॉइस सर्च से भी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। और पहले की तरह अगर इसको हमें दोबारा सुनना है इसको तो गूगल गो हमें इसे भी पढ़ के सुनाएगा। जैसे कि नीचे प्ले का बटन है तो मैं इसे प्ले करता हूँ और ये पढ़ेगा Sachin भी। Tendulkar, published by Wikipedia. Sachin Ramesh
तेंदुलकर ब्रिज इज एन इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। ये हमें इसमें भी पढ़कर सुना रहा है। अब अगले फीचर्स के लिए इसको हम बैक करते हैं, तो होम पे हम टैप करेंगे, तो होम पे आ गए। कैमरा ट्रांसलेट, ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। आप इसकी मदद से किसी भी भाषा की किताब, न्यूज़पेपर, आप इसको पढ़ सकते हो। तो जैसे कि मेरे मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ। फिर मेरा एक वॉलपेपर है अब्दुल कलाम का, मैं उसको क्लिक करता हूँ, यानी उसकी फ़ोटो लेता हूँ, और फिर इसका कमाल देखते हैं हम। तो कैमरा ट्रांसलेट पर हम टैप करेंगे, ओपन कैमरा, ये परमिशन मांगेगा, तो हमें इसे परमिशन दे देनी है। Take a photo of words you want to understand. ये हमसे कह रहा है कि फ़ोटो लेने के लिए, तो मैं फ़ोटो लेता हूँ। ये मैंने फ़ोटो ले लिया, और नीचे तीन फीचर दिखा रहा है, ट्रांसलेट, लिसन, सर्च। तो पहले मैं ट्रांसलेट का यूज़ करके आपको बताता हूँ। ट्रांसलेट पे हम टैप करेंगे, यहाँ यू कैन चेंज योर लैंग्वेज लिखा रहा है ऊपर, तो मैं उस पर टैप करूँगा। यहाँ लैंग्वेज में जाऊँगा, चेंज ट्रांसलेट लैंग्वेज। अब मुझे चाहिए हिंदी में, तो मैं इस पर हिंदी में टैप करूँगा। तो अभी हिंदी में दिखा रहा है, अगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। लिसन पर टैप करते हैं, अगर हम आजाद नहीं होंगे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। और इसमें एक सर्च का ऑप्शन है। सर्च में कमाल का फीचर ये है कि जो भी शब्द हमें वहाँ पर दिख रहे हैं उस पर हम टैप करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये वेबसाइट पे हमको ले जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अब्दुल कलाम आ रहा है, मैं उस पर टैप करता हूँ और सर्च, तो ये हमें अब्दुल कलाम की वेबसाइट पर ले गया। अब्दुल कलाम से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, जो भी वेब पेज है, उस पर ये हमको ले जाता है। अब इसके अगले फीचर्स के लिए दोबारा से होम पे क्लिक करते हैं और बैक आते हैं, और डिस्कवर का हम ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा फीचर है हमारा। जो भी चीज़ें अभी गूगल पे सर्च ज़्यादा हो रही होंगी, वो चीज़ें हमें ये डिस्कवर में दिखाएगा। और इसके बाद पांचवा ऑप्शन है इमेज का, इससे आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोग जो रोज़ बर्थडे का हो गया, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग का, वेबसाइट से हम फ़ोटो डाउनलोड करते हैं सेंड करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे गुड नाइट का है मैसेज है, गुड नाइट का वॉलपेपर है, या गुड नाइट का फ़ोटो आपको हो, तो इस पर हम टैप करेंगे, तो गुड नाइट से रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस आपके पास आ जाएंगे। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि एक इमेज पर मैं टैप करता हूँ, ये है गुड नाइट, इसको मुझे डाउनलोड करना है, तो सिंपली इस पर टैप करेंगे, शेयर का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये परमिशन मांगा डाउनलोड करने के लिए, तो अलाउ कर दीजिए आप इसको, ये आपके गैलरी में डाउनलोड हो गया। अगर आप इसको शेयर करना चाहो तो शेयर पर क्लिक करके आप इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे आप इसको शेयर भी कर सकते हो। अब अगली फीचर पे चलते हैं। अगला फीचर GIFs का, जिप फाइल का, जो एनिमेटेड फाइल्स होती हैं वो होती हैं ये। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे भी आजकल ये फीचर्स आ गया है, और आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली गुड मॉर्निंग का मैसेज है, या गुड मॉर्निंग किसी को भेजना है, तो इस पर टैप किया हमने, आप गुड मॉर्निंग पे टैप करो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब यूट्यूब पे करते हैं, तो आपको यूट्यूब दिखाएगा, डाउनलोड्स में आप डाउनलोड्स आ जाएंगे, और इसमें कमाल का फीचर्स है, आप थोड़ा सा स्वैप करोगे इसको, ये सारे ऐप्स के लिंक्स दिखाता है हमको, जो कॉमन यूज़ में होता है। और इसमें एक नीचे फीचर आता है गेम का, अगर आप गेम खेलना चाहते हो बिना डाउनलोड किए, वो भी आप यहाँ से खेल सकते हो। जैसे कि एक पहला गेम है स्नैक का, तो आप स्नैक पे क्लिक करो, प्ले, खेल सकते हैं इसको। बैक आ गए हम, तो जो भी शॉर्टकट्स हो, ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स यहाँ से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये गूगल का मल्टीटास्किंग ऐप था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाकर ऑन कर लीजिएगा, किसी की आगे की आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।